हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आजरा का जायका। सामान देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए बताते हैं और आपको दिखाते भी हैं और बनाते भी जाते हैं। तो हम पहले, ये हमारा गूरी है, इसे हम जौ, छिला जौ भी बोल सकते हैं, इसको हमने डालना है कुकर में और आधा से, मतलब ये आधा गल जाएगा तब हम इसमें जो हमारे और भी दाल हैं इनको भी धुल के इस घूरी के साथ हम पका लेंगे। तो पहले हम इसको चढ़ाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसको आधा गलाने के बाद हम डालेंगे अपनी और भी दाल। तो चलिए इसको डालते हैं कुकर में। इसी कटोरी से हम भर के कटोरी पानी भी डालेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे ये तेज़पत्ता और ये हरी मिर्ची है, सबको इसमें डाल देना है। एक चम्मच नमक भी ऐड करेंगे इसमें हम, और इसके अंदर डालेंगे थोड़ी हल्दी, धनिया पाउडर और एक चम्मच मिर्ची पाउडर। इसके बाद जब हम दाल डालेंगे तो हमें सिर्फ दाल को धुल के डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। इसको हम 4-5 सीटी लगाकर खोल के एक बार देखेंगे कि ये गल गई है, आधा गल जाएगा तो हम इसमें और भी दाल डाल देंगे। तो थोड़े प्याज भी डाल देते हैं और इसको 4 सीटी लगाते हैं। जब तक हमारी घूरी पक रही है हम अपने दाल को भी बाउल में इकट्ठा कर लेते हैं। हमने देखिए खड़ा मूंग लिया है और ये हमारा दरदरा हुआ मूंग है, दाल है इसकी, और ये चना है, मसूर है और ये उड़द की दाल है। इन सबको हम इसमें डाल लेते हैं और इसको भूल के अच्छे से भिना देते हैं जब तक कि हमारा घूरी जो है गल जाए। फिर हम इसको भी धुल के डाल देंगे। ये हमारा सारा दाल हमने 100-100 ग्राम के करीब लिया हुआ है, ये 4-5 लोग आराम से खा सकते हैं। और 100 ग्राम हमने चावल भी लिया है तो इसको हम धुल लेते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारा दाल गल रहा है इधर हम अपने मटन को भी, जो हमने 300 ग्राम मटन ले रखा है इसको अच्छे से धुल लिया है। ये हमारा 300 ग्राम मटन है तो अब इसको हम इसमें भूनते हैं पतीले में डाल के। इसमें ऐड करेंगे हम लगभग 150 ग्राम ऑयल सरसों का, और इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। इसमें हमारे खड़े मसाले में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग या जीरा है, और हमारी दालचीनी, जावित्री, सबको हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसे चटकने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। इसको अच्छे से तल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा प्याज जो है आधा तकरीबन तल चुका है। अब इसमें हम गोश्त को भी डाल देंगे। ये मटन इसको हमें अच्छे से पकाना है, इसलिए हमें सब कुछ इसके सामान को ऐड करते जाना है और इसको भुनना है। अब ये हरी मिर्ची भी हम डाल देते हैं, और ये हमारा एक बड़ा चम्मच गरम मसाला है, इसको भी डाल देते हैं। अच्छे से हम डालेंगे। और इसी में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच नमक का, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम तकरीबन 3-4 चम्मच, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको भूनते हैं। और इसमें हम अब हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, मिर्ची पाउडर। तीखा अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, ज़्यादा कम, वैसे चटपटा खिचड़ा अच्छा लगता है। इन्हें अच्छे से हमें भून लेना है ढक कर। इसमें हम 2 कटोरी पानी भी डाल देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से पानी से गल जाए, और जब पानी जल जाएगा तो ये हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। फिर हम इसको भून लेंगे। अब इसको हम रख देते हैं गलने के लिए, इसी पानी से ये अच्छे से गल। तो फ्रेंड्स देखिए, 4-5 सीटी लगा के हमने धीमे आंच पे अपने ये घूरी को, जौ जो है हमारा छीला हुआ, इसको हमने अच्छे से उबाल लिया है, गल चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो अब इसमें हम दाल भी ऐड कर देंगे, ये दाल भी साथ में इसके अच्छे से 3-4 सीटी में पक जाएगी। दोनों को साथ में आप कभी मत पकाइएगा, नहीं तो जो है घूरी जो है वो अच्छे से गल नहीं पाएगी क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेती है और दाल हमारा कम टाइम लेता है। अब इसमें हम
ये टमाटर भी डाल देंगे, थोड़ा नमक हम दाल के लिए भी ऐड कर देते हैं लगभग 1 चम्मच, और इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और इसे हम 3 सीटी लगाते हैं। 3 सीटी में इंशाल्लाह अच्छे से ये गल के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं, इसको हम चढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स देखिए 3 सीटी में हमारा दाल भी अच्छे से गल गया है और मिक्स हो चुका है बिल्कुल, और हमारा ये जो हमने गोश्त रखा था ये भी अच्छे से मटन हमारा गल गया है बिल्कुल। देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, अच्छे से तेल छोड़ दिया, ये भी 20 मिनट से हम पका रहे हैं। 2 कटोरी हमने पानी डाला था, ये भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। अब इसमें हम ऐड करते हैं दाल को, सारे दाल को हमने इसमें डाल दिया है। कुकर में थोड़ा पानी डाल के उसको भी डाल देते हैं। अच्छे से कुकर में लगे हुए दाल लें सबको हम इसमें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स हमने ये भिंगा के अपना चावल रखा था, ये 150 ग्राम हमारा चावल है, इसको हमने आधे घंटे भिगा दिया था, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। ये अच्छे से टूट जाएगा, ऐसे जल्दी से गल भी जाएगा और टूट भी जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। इसमें हम 1 कटोरी पानी भी ऐड करेंगे और इसको हमें चला चला कर बिल्कुल पकाना है, नहीं तो चावल बैठ जाएगा। इसको हमें चलाते रहना है बराबर ताकि ये अंदर बैठे ना चावल, इसको हमें चला के रहना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसको 10 मिनट लगभग पका लिया है और तकरीबन चावल हमारा जो है आधा गल चुका है। इसी तरीके से चलाते हुए हमें 10 मिनट और पका लेना है और ये रेडी हो जाएगा। हमारा खिचड़ा बिल्कुल माशाल्लाह बन के तैयार है। अब इसमें हम तले हुए प्याज ऐड करेंगे और हरी धनिया भी डालेंगे। बस बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स दस्तरखान पे हमारा खिचड़ा गर्मा गर्म आ चुका है और इसको हम खाते हैं और बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको निकालते हैं प्लेट में। खिचड़ा बहुत अच्छा चटपटा बना हुआ है, इसका स्पाइसनेस जो है एकदम बराबर है, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं और नमक भी बराबर है एकदम बिल्कुल। आप इसी तरीके से बनाएं, घर वालों को खिलाएं, और इस टाइम तो मुहर्रम का महीना चल रहा है तो आप खिचड़ा बनाएं, घर वालों को खिलाएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप शेयर भी करें ताकि हमारी वीडियो और भी आगे बढ़े, हमें सक्सेस मिले आप लोग के दुआ से। तो हमारा भी ध्यान रखिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। अल्लाह हाफिज़।